यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। आज राया पुलिस एवं आबकारी टीम की संयुक्त कार्यवाही के चलते राया कट पर एक कैंटर को रोका, जिसमें अवैध शराब बनाने के केमिकल के 32 ड्रम रखे हुए थे, जो दादरी से पटना के लिए जा रहे थे। पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जो कि शातिर किस्त के हैं। पशुओं के आहार ले जाने वाले कैंटर में अवैध रूप से केमिकल ले जा रहे थे, जिससे जहरीली शराब तैयार की जाती है। क्षेत्र अधिकारी महावन प्रवल प्रताप सिंह ने बताया कि यह बड़ा गैंग है, जिसे पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाकर और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश के अनुपालन में राया पुलिस द्वारा दिनांक 22/11/18 को सुलेमान पुत्र शमसुल, जो राया कस्बे का ही रहने वाला है और पहले से ही ये काम कर रहा था और मुखबिर की सूचना पर दिनांक 22/11/18 को इसको राया पुलिस द्वारा 2 किलो गांजे सहित पकड़ा गया। इस पर पूर्व में भी करीब 10 अपराध पंजीकृत हैं थाना राया में और ये 11वां अपराध है जिसमें ये आज जेल जा रहा है। और इसी क्रम में